हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे भाई, और स्वस्थ शरीर और चेहरे पे मुस्कान ही जो जीवन का असल सार है इसको बनाए रखें। और हम आपसे आशा करते हैं और आपको आपसे अपील भी करते हैं भाई, जो ठंड का मौसम है, कोहरा ज़्यादा हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अपना भाई बचाव करें और कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करो साधनों पे, क्योंकि भाई एक्सीडेंट है जो आए दिन हम देखने लग रहे हैं उन लग रहे हैं। और जो अपनी साधन की लाइटें हैं उनको दुरुस्त करो, उनके रिपेयरिंग कराओ, क्योंकि कोहरे में भाई आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। तो अपना बचाव भाई आप खुद करो। और आज जो विषय है, आते हैं विषय बात पे भाई, उजाणा गांव में आ रहे हैं तो आप मेरे पीछे देख सको हो भाई, लाइब्रेरी है उजाणा गांव की, नू लागा जनू किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई पार्ट है, बाकी ये उजाणा गांव की है जो लाइब्रेरी है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मूर्ति का झगड़ा लेकर जो विवाद चला हुआ उजाणा गाँव में, इस विषय पर इस मामले इसको मतलब देखने के लिए भाई क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे एक पंचायत रखी गई है और उस पंचायत में क्या कंक्लूजन निकलेगा इस मामले को लेकर, तो सारी बात आपको हम लाइव तस्वीरों से दिखाएंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो सर, जो ये आज पंचायत बुलाई गई है उजाणा गांव में, किस पर्पज के लिए बुलाई गई है सर? ये पर्पज है जी, पर्पज जो हमारे गांव में एपिसोड चले है तीन चार दिन से, मतलब तीन चार पाँच दिन से पहले जो मूर्ति प्रशासन के द्वारा उठाई गई थी, उसमें मामला बहुत गंभीर बनता जा रहा है। ये और जो बाहरी लोग है चैलेंज करने लग रहे हैं गांव को, भाई हम बाहर तक आवेंगे, कोई एक तो रजत है कंसल वकील है कोई यहाँ सी साइड का, एक प्रदीप बंकर है, उसने ये बात रखी है कि मैं ले, उसकी एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, उसने ये बात की है जो भाई मैं जूती मनाना भी जाना और पारना भी जाना और जूती ने पैर में तो कैट के सिर पर चौधरी का मारना भी जाना। एक तो इनकी चैलेंज करे, एक कौम को कह लो चैलेंज करे, भाई जाट कौम को चैलेंज करे इनकी, उन्होंने जो मैं जाट कौम का नाम लिया सर। हाँ, जाट कौम का नाम लिया, उनकी बार बार जाट कौम का नाम लिया। एक मेरा गांव का ऑफिसर है कुलदीप चहल, उसका ही बार बार नाम लिया गया है। कुलदीप चहल को क्यों इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है? बस वैसे ही कंडीशन चल रहा है, कुलदीप चहल कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। बाकी सर, आज जो ये पंचायत हुई है क्या कंक्लूजन निकाला गया इसका, क्या निष्कर्ष निकाला गया? पंचायत ये मीटिंग बुलाई गई थी, गांव के युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, इसमें ये निकाला गया कि मैंने भाई परसों ना जो भारी लोग आ गए परसों को 28 तारीख को 29 जिन अल्टीमेटम देकर आए थे, भाई बाहर तो जो भी व्यक्ति आओगा उसकी गांव में एंट्री नहीं होगी, और अगर जो बाहर का व्यक्ति गांव में एंट्री होगी तो गांव से बाहर नहीं जाएगा, वो व्यक्ति गांव में रख लेंगे। यानी कि स्थिति गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर है भाई। इतनी गंभीर सर, उन्होंने किस बात को लेकर अल्टीमेटम दिया, क्या करने आ रहे हैं उस गांव में? इस गांव में आ रहे, एक सरकारी जमीन है 6 करोड़ 9 मरले, उसमें पहले 20 साल पहले सुनार की बिल्डिंग थी, वो भी कुछ गांव के लोग थे, मान ले चमार समाज के लोग थे, उनकी किसो नेता का पेश होकर ना वो बिल्डिंग डाली थी, कोई गाड़ गुड़ का मैटर था, उसमें भी कोई गांव का नहीं बोला था, भाई अवैध कब्जा था, वो खाली हो गया था, जबकि वो जमीन पड़ी थी उसमें, उस जमीन में एक तो चमार जाति से मोटा चमार उसका मकान है, एक सुनार का मकान उस जमीन में, एक सैनी है रेती बजरी गेड़ा उसमें मैं रेती बजरी काम करता था, एक अपना जो सरपंच है फिलहाल इसकी रेती बजरी थी पहले, अब कुछ अब हिंदुस्तान ले ली उसकी रेती बजरी पड़ा उसमें, ये मामला था। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि मतलब ये पहले यहाँ पर जो अब सरपंच बनाया उसका कब्जा था, अब भी दोबारा वही कब्जा? ऐसा भाई साहब, किसी का कोई इस धरती पे कब्जा नहीं था, अपना आगे पड़ी जमीन ने कोई भी बर्त ले हुआ है, कब्जा तो उसका जिन मैं कहूँ उसका चमार का भी कब्जा है, आज ये मकान है उसका, और हम तो यही अपील करें प्रशासन दा, उस गरीब आदमी मकान का हाथ न लाया जावे, वो भी हमारा भाई है, और जो ये हमारा गाँव के एम एल ए मैं इनका मन में कुछ बात हुई सी, हम तो ये बात कहूँ गांव में बैठ कर मिटा लियो। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भीमराव अम्बेडकर जी हमारे आदर समान है, संविधान के विधाता है, हम उसके बारे में यही कहूँगा, उसके भाई समान है हमारे मन में उसके प्रति, भाई उसको ऐसी जगह कोई गांव इकट्ठा हो जाए, गांव का ऐसा फैसला हो जाए, कोई पंचायती जमीन मिल जाए उनकी, उसमें रख दें, क्या दिक्कत उसकी? भाई साहब, ये सुनने में है वो जो जमीन है वो इंदिरा आवास में से बचाई हुई जमीन है। ऐसा भाई साहब, ये 5-6 किले रिक्वायर करे थे, 90-90 गज के प्लाट अलॉट हुए थे इनको, उसमें से बचत की जमीन है, कोई किसी का नाम नहीं है, वो जो अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके नाम बोल रहा है वो जमीन। सर, जब ये मूर्ति रखी गई थी तो जब गांव ने या प्रशासन ने वो मूर्ति रखने ही क्यों दी? भाई साहब, मूर्ति रात के अंधेरे में रखी गई थी, 11 से लेके ना 5 बजे लगे, मूर्ति पे गांव का किसी भी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था,
भाई चलो रख ली, ठीक है, बढ़िया बात है। तो प्रशासन ने इसमें कार्रवाई करी है, प्रशासन ने ही इसमें ये मूर्ति को उखाड़ा है। तो गांव के लोगों को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है इसमें? गांव के तो, गांव के लोगों को नहीं, इसमें तो जाट कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। भाई जाट जाट लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं एक तथ्य तो दिखा दियो कोई, भाई हमारे पास ये सबूत है भाई जाट जाति के लोगों ने यह चीज करी है। कोई एप्लीकेशन दे हो, भाई किसी प्रशासन से मिलने गए हो, कोई मंत्री से मिले हो, कोई एक प्रूफ तो दे दो। यानी कि आपको मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं? हमने मूर्ति का कोई ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज इस बात से है कि जो इस प्रकरण में जाट जाति का नाम आ रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम है? उससे भी प्रॉब्लम है। अरे कि जो भारी लोग, जो नेता बनके, जो हमारा गांव के एमएलए कुछ आदमी ठीक है, वो भटक गए है, हमारा गांव में कुछ साथी भटक गया है, उनकी मनावांगे, हमें मनाने की कोशिश करांगे, या हमारे पास आवा, उनके पास जावा, तो आपसी का मसला है, बैठ कर सुलझा ले हमें। सर वो बारी लोग है, वो कौन है, उनको डिस्क्लोज करोगे सर? बारी लोग है, जो बारी एक तो रजत कंसल वकील है, मैंने नाम पहले भी लिया इसमें, एक जो प्रदीप भंकर है, इनकी कमेटी बनी हुई है। ये पांच चार है, ये पहले छत्तर गांव में गए थे, उन ओड़ा इस गांव में भी इनकी ऑटो बाट कराई है, बटला गांव में गए थे, उनमें भी ये कराया है। ये जतोड़ भी जावे ओड़े जाकर ने जाति पाति का जहर घोल रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है भाई, नीरा पूरी राजनीति हो रही है। एक जो चंद्रशेखर रावण है कोई यूपी का, वो भी कह रहे हैं मेरे गाँव में होगा। भाई मैं भी ये मैं जाट समाज से अपील करता हूँ, खाप की सरदारियों से, जो मेरे आसपास के गांव के लोग हैं, भाई जितने भी जाट समाज से है, जिसको भी जाट कम्युनिटी का कौम का दर्द है, भाई जाटों के बारे में उल्टा बोल रहे हैं, मेरे गांव में सभी से अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और इन भारी लोगों का विरोध करे। भाई साहब आप कहीं कहीं मतलब जाट जाट को अकेले कह रहे हो, पूरी छत्तीस बिरादरी है भाई साहब जाट को, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, जाट को उनको उनने जाट को टारगेट किया है। मेरे साथ छत्तीस बिरादरी के लोग है, ब्राह्मण समाज के लोग भी है इसमें, आपको पीछे खड़े मिलेंगे, नाई समाज के लोग भी, नायक समाज के मिलेंगे, हर समाज के लोग खड़े हैं मेरे पीछे। परसों को ये बाहर के लोग आएंगे जिनका भी आपने नाम लिया, उसको ओनली जाट समुदाय ही रोक के गए या छत्तीस बिरादरी मिलके रोकेगी उनको? छत्तीस बिरादरी और जो मेरी खाप है, मेरी खाप में आठ गांव आवे, सारे आठों गांव आएंगे, मतलब जितने हैं बेलरखा, गाला सांगा, डंडवा, अंबरसर, कोल, कराड़, नेपेवाड़ा और गढ़ी खरड़, हम इन गांवों में पहले भी जाए, कल को भी जाएंगे और अपील करेंगे, मेरा गांव में ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचा है। क्यों आज तो ये मेरा गांव का भाईचारा बिगाड़ने लग रहे हैं, तीन चार आदमी आए, कहना कल ना किसी और गांव का बिगाड़ेंगे। सर जो जाट कम्युनिटी को, जो पर्टिकुलर जिनका आपने नाम लिया सर, जो व्यक्ति है जाट कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जाने लगा? उनकी जाति पाति की दुकानदारी खोद रखी है भाई, उन तो जाति पाति का जहर घोल है, उनकी दुकानदारी क्यों चलेगी फिर? वो तो दुकानदारी चला रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो इस मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ रवैया है? प्रशासन का तो है, उसने जमीन अपनी खाली करवा रखी है, प्रशासन की और इनकी ऐसी समाज की लड़ाई है, लड़ो सरकार तक जाना, हम ऐसी समाज के साथ चलेंगे। अगर जब हमने सरकार से अपील करनी है, हम तो ऐसी समाज के हमारी जरूरत पड़े तो हम ऐसी समाज के साथ चलेंगे। बहन की जमीन जो नाम करवानी करवा लो, उनके अल्टीमेटम दिया कि बाहरी लोगों को नहीं आने, नहीं बाहरी लोगों को अल्टीमेटम, चेतावनी है मेरी, ये चेतावनी है। तो आपको जो उस समुदाय विशेष के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके बुजुर्गों से बात करनी चाहिए जो उसको लीड कर रहे हैं कि ये इस तरह की राजनीतिकरण ना हो। ऐसा है भाई साहब, जिस टाइम आदमी बाहर का बका मैजे करे नहीं, वो गांव तो दूर चले जाए करे। ये मैं बाहर की बात, मेरा कोई है कहना गांव में कोई नेता मनागा, वो तो बाहर के उसे की सुनागा, वो मेरी नहीं सुनागा, वो तो बारी की सुनागा। यानी कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल मानी, आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहूँ, अगर जो मेरा गांव में बाहर का आदमी आ गया, ना तो हम मुकदमा से डर दे, ना हम जेल से डर दे, हमने कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, हम तो सीधा चैलेंज करा भाई, जो मेरा गांव में ये आदमी बढ़ के नहीं लिगड़ नहीं देवांगे, तब हमने कुछ भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भी किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चैलेंज एक्सपेक्ट है। रजत कंसल का फेसबुक लाइव आया कल, उसका चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, हम भी चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं भाई, आओ वो बाहर से आएंगे, हम गांव की तरफ से चलेंगे सर, जो होगा देखी जाएगी। तरफ से बैठ के ये मामला नहीं सुलझाया जा सकता, दोनों तरफ से काउंटर हो रहे हैं सर, ये काउंटर हो रहे हैं भाई साहब, हम मामला सुलझाने के लिए तैयार है। ये जमीन मांग रही है, ये 6 एकड़ जमीन है, गांव कैसी जमीन दे देगा इनको? ये जब गांव का इसमें मैटर ही नहीं है, ये जमीन सरकारी है। इन लोगों ने गांव को गाली देनी शुरू कर दी, पूरे गांव को, 36 बिरादरी को गाली देनी शुरू कर दी। वो गाल भी ऐसी दे दी, गाल एक तो गांव में आपस में प्रेम प्यार भाईचारा में कई कहानी करके भी हो जाए, मीडिया के सामने गाली देने का काम किया, शहरों में प्रदर्शन करने का काम किया गांव से खिलाफ, एक जाति का नाम लेके, जाट सुन ले, जाट जाति के नाम पे प्रदर्शन करने का काम किया, ये गलती है। दूसरी बात, बाहरी लोगों ने ये उनको पूरा बुलाने का काम किया, मंच लगाए, उड़े बोले हैं शब्द बोले हैं जाटों के प्रति,
बड़ी भीड़ जुटा के और बड़ी बेइज्जती करी है जाट कौम की। सर इस विषय ये बाहरी लोगों की गलती है, जो भी भिड़ेगा ना सीधा सीधा चैलेंज है भाई। पहली दस एक बात देखो आप सुन गांव को पूरा गांव को इस दोषी बना दिया बिना बात के, गांव की और बड़ी बेइज्जती कर दी देश के सामने। इस गांव की कोई सलाह कोनी, ना तो मूर्ति धरान में, ना ठुआन में, ना गांव ने बेरा। गांव तो निर्दोष है, गांव के ऊपर तो एक उंगली ठोपी गई बिना बात किया। गांव को मीडिया का दांदा भी चढ़ा दिया, देश का दांदा भी चढ़ा दिया। गांव तो ऐसा, गांव की तो गलती है ही कौन इसमें, ये सरकार का रोल, हरियाणा सरकार को उसी ने ठुआई। और छत्तीसगढ़ एक और है, अगर इन्होंने मूर्ति रखनी, मूर्ति से कोई नाराज अगर राजी हो तो तभी बेरा पड़ता भाई, कोई नाराज अगर नाराज है, राजी कौन है नाराज कौन है। लेकिन गांव की 36 बरादरी इकट्ठी करके सलाह करके भाई आप बाबा साहब की मूर्ति रखा, वह सबसे बड़ी अच्छी बात थी। तो बाबा साहब सभी का शीर कहता मन के, उसमें सारे भी न्यू भी कह देने भाई उधर लो रख लो। लेकिन यह तो एक नाराजगी ऐसे होगी, बाबा साहब की मूर्ति से गांव के लोगों ने कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी बढ़ दी तो चिंजारी फाल गई। लेकिन ये तो बाबा साहब की मूर्ति का भी विरोध पैदा हो चुका है, इसमें कमी रह रही है। अब ये मूर्ति की बजाय SC ST के तहत मुकदमे दर्ज करवाने तक की बात हो रही है जी। ऐसा भाई साहब मुकदमे दर्ज कराओ चाहे कुछ कराओ, हम तो चैलेंज एक्सपेक्ट कर क्या है, या मैंने जेल हो मैंने भी न की हो छा भी नगो, सारी उम्र भी जेल में रहने के लिए तैयार है। अगर जब मरना पड़ गया तो मरने के लिए भी तैयार है भाई। अगर यह कहवा नहीं मैं मरने के लिए तैयार है तो मैं, हम लोग भी मरने के लिए तैयार हैं। और मैं तो यह बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जाट समाज से अपील करूं, जितने मेरी खाप की सरदारी है भाई हमारा साथ दो। और गांव ज्यादा से ज्यादा संख्या में 28 तारीख ना 10 बजे गांव उजाणा में पहुंचो। मतलब और जो कास्ट है आपको उनकी जरूरत नहीं है सिर्फ ओनली जाट समुदाय की, जाट के तो बाहर से जाटों को अपील करेंगे भाई साहब। मतलब बाहर से जो और 35 बरादरी गाड़ी जाटों को जी गई है, एक ही और है नहीं, समाज तो मतलब 36 बिरादरी को लेके, समाज को तो लेके, मेरी बात सुनो समाज तो 36 बिरादरी है, गांव से लेके चलेंगे, बाहर से तो लोग हमारे साथ जाट समाज आएगा भाई साहब। क्यों गाड़ी तो जाट समाज आएंगे सर, क्यों जो और भी है जो और बिरादरी है वो भी आएंगे। अगर अगर आप अपील करोगे, अपील तो सभी अपील तो कर रहे हैं, न्याय के पक्ष में तो सभी भाईचारा आता है सर। आप ओनली जाट जाट को बुला रहे हैं सर, जाट के लिए भाई बताइए सर। सर तेरे को पूछना चाहता हूँ मैं सर, जाटी को जाट को गाली क्यों दी जा रही है सर, मैं आप पूछना चाहता हूँ आपको, और जाति मतलब जाट को टारगेट कैसे बनाया गया सर, इस बात पे नहीं आप बोलना चाहते सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, जाट को कितने गाली मिली, मैंने पहले इसको क्वेश्चन किया भाई, जाट को ही क्यों मतलब टारगेट किया, उन लोगों ने पूछो यार बात, जाट को तो भाई उन लोगों को पूछो आप। तो दूसरी बात सर ये है, गेट जाट पे क्यों बनाया जा रहा है, जो बाहर से जो है उनको पूछो सर, उन पे जवाब लो। उन्हीं को पूछो भाई, जाट कम्युनिटी टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, जाट कम्युनिटी को गाड़ी सबसे ज्यादा मिल रही है, इसीलिए जाट के खिलाफ कर रही हो तो भी बताओ, कोई जाट में विरोध में आया तब बताओ। लेकिन ये मुद्दा तो सरकार का और इनके जो एससी वाले सर, इसमें जाटों का कोई मतलब नहीं, गांव का कोई मतलब नहीं, फिर इसमें गांव का कोई मतलब, एक मिनट रुकिए, गांव का कोई मतलब नहीं था इसमें, तो इनती फिर जाटों ने गाड़ी क्यों दी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ, जाटों को आप मीडिया के माध्यम से मैंने इनकी गाड़ी दी है। और फिर दूसरी बात प्रशासन ने मूर्ति उठाई है सर, एक अंतिम सुन ले सर जी, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है, प्रशासन ने मूर्ति उठाई है, इन्होंने मूर्ति को मतलब रखा। इनके पहली बात तो गांव की सलाह कौन ली, गांव के लोगों की कोई सलाह नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं ना कि अपमान किया गया, बिल्कुल मैं बड़े बढ़िया तरीके से उठा के लेके मूर्ति को कोई बिल्कुल भी सम्मान के साथ, लेकिन उठानी भी पड़गी प्रशासन का, तो ऊपर से डंडा था, आगे से आगे वही तो सरकार का काम है, तो हरियाणा सरकार की जमीन में से उठाइए, कोई गांव ने कोई रोल नहीं लिया उसमें। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति अंधेरे में चिक्कड़ के मैं रख दी थी, अपमान करने वाले तो यही लोग हैं, लेकिन चिक्कड़ में रखनी सब उसमें रखनी, बाबा साहब पर तो फूल चढ़ा वापस आवे, और बाबा साहब की मूर्ति को रात को अंधेरे में वैसे इसमें चिक्कड़ के मैं खड़ी कर दी, जिन भी लोगों ने बाहर के लोगों ने खड़ी करवाने का काम किया, बाबा साहब का अपमान करवाया उन बाहर के लोगों ने, ये अच्छा तो नहीं है, बहुत गलत है। तो कि आप कह रहे हो कि रात के अंधेरे में मूर्ति खड़ी करेगी और अब भी गांव का नाम खराब करने की बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले चल रही थी? प्लानिंग होगी भाई, पहले से प्लानिंग हो, जदे दंदी रात के अंधेरा में रखी है, नहीं छत्ती बिरादरी का हमारा गांव मथे आई है, बड़े बड़े फैसले होश में खट्टा करके ना कह देंगे भाई मैं तो स्टैचू रखना चाहूँ, मैंने क्या दिक्कत है, और मैं तो आज भी दिक्कत नहीं है स्टैचू से, बाबा साहब से मैंने कोई दिक्कत नहीं है, ये तो जो गांव का माहौल बिगड़ना चाहवा नहीं मैं, उनका दिक्कत है, बाबा साहब से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हमारे आदर के समान है, संविधान के विधाता है, बाहर के जो लोग आवे नहीं, सीधा चैलेंज है भाई, बाहरी से बाहर के आदमी को गांव में एंट्री होगी नहीं भाई, सुखा नहीं जान देंगे। अब प्रशासन से सहयोग की अपील करते हैं कि हमारा प्रशासन सहयोग करे और जो बाहरी लोग हैं हमारे गांव में ना आए, ठीक है, प्रशासन इस बात में सियाणा हो, बाहर के लोगों को प्रशासन रोको भाई, अर्ज गांव के मतलब यू गांव बसदा नहीं छोड़ना हो, यू गांव गलन देना हो, प्रशासन मतलब इसको आने दियो बाहर के लोगों को,
नीचे गांव के लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल भी चाहे मर जाएं, गांव के लोगों का निर्णय है पूरा बिल्कुल ठीक है। हाँ, गांव के लोग बिल्कुल भी इस बात पे। तो जैसा कि आपने देखा जो ये पंचायत है उजाना गांव में जो पंचायत की गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के लिए जो यहाँ पे झगड़ा हुआ था, इस पंचायत का मुख्य पर्पज यही है भाई जो गांव का भाईचारा है वो बनाए रखो, जो बाहर के लोग है जो इस गांव का माहौल बिगाड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था 3 दिन का उसके विषय में करी गई थी, जो हमारा गांव का मामला में आप सुलट लेंगे, हमारा जो भाईचारा उसने बिगाड़ने की कोशिश ना करो, इस जो पंचायत का जो मेन पर्पज था आपसी भाईचारा बनाए रखने का ही मेन पर्पज है। और कह दे रहा नहीं जरा पंचायत हो जग रहा है और भगवान उतर जग रहा है, भगवान कदे भी गलत फैसला को नहीं करे करता। तो आप तस्वीरों में देख सकते हो भाई सारे आसपास के गांव के जो भाईचारा वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है और इस विषय में जो विषय है भाई जो झगड़ा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेके उस विषय में ये पंचायत रखी गई है और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए है जो ये पंचायत यहाँ पे रखी गई थी। और इसमें यही कहा गया है भाई बाहर के लोगों को यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाहर के जो लोग हैं इस गाँव का जो भाईचारा उसको ख़राब करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश नाकाम करने के लिए जो आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है पंचायत रखी गई थी। धन्यवाद।